और जो पैकेट हमने खोल लिया है उसके अंदर सबसे पहले तो ये हमारा निकला है, ये है इसका वैक्यूम क्लीनर। देखने में तो काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी प्रीमियम लगता है, इसकी वायर भी काफ़ी बड़ी है और मीटर इसका आपको पता नहीं, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। देखते हैं और क्या क्या आइटम है इसके साथ, उसको रख देते साइड में। और ये इसके साथ कुछ ऐसा पाइप्स है दिया, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसमें लगा के इसको क्लीन करते हैं इसे। और एक चीज़ और है, ये है इसका ब्रश, इसका ब्रश दिया गया है इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने ये क्यों मंगाया, क्योंकि ना आप जब भी किसी जगह कार वॉशिंग कराने जाते हैं तो नॉर्मल जो खर्चा रहता है 500 से लेकर 2000 तक रहता है। इंटीरियर क्लीनिंग का बात कर रहा हूँ, जैसे आपके अंदर गाड़ी में जब आप बैठते हो तो कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो भाई वैक्यूम से निकालनी पड़ती है, तो वो लोग वैक्यूम का और दोनों क्लीनिंग का बहुत पैसा ले लेते हैं। तो इसीलिए हमने ना घर पे अपने करने के लिए, अपने घर पे वॉश करके क्लीनिंग व्लिंग कर लेंगे इससे, तो उसके लिए मंगाया है, जिससे आपका पैसा भी बच सके और ज़्यादा महंगा नहीं है ये। मैं इसका रेट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग आराम से देख लेना, चेकआउट कर लेना, पहले देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। और अब हम आ गए अपनी गाड़ी में और उसको लगा के देखते हैं उसका क्या परफॉर्मेंस वगैरह पूरा चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, मैं इसको सबको क्लीन करके देखने वाला हूँ ये कितना क्लीन करता है इसको। इधर भी कुछ ऐसे ही हाल है, पीछे भी, इधर भी आप देख सकते हो कितनी मिट्टी है, तो सब क्लीन करके देखेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं और चेक करते हैं। सिंपली आपका ऐसे सॉकेट निकालना है ये, और इसको ना इसमें अटैच कर देना है। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट दिया होता है गाड़ी में, ये मैंने इसको लगा दिया है। और मेक श्योर कि आपने बैटरी से नहीं चलाना है, आपको गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है उस टाइम उसको चलाना है, गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए वरना आपकी बैटरी भी जा सकती है। ये बेसिकली 150 वाट का होता है, क्योंकि अच्छी खासी पावर भी लेता है और इसकी मोटर भी काफ़ी हैवी है, तो आप देख लीजिएगा गाड़ी स्टार्ट करके चलाना हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को हमने कर लिया, हमने स्टार्ट, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ये हमने लगा दिया इसको चार्जर, और ये हो गया हमारा ऑन। इसको चला के देखते हैं, धूल है इसमें सारा कम, जिसे क्लीन करके देखते हैं। यहाँ देखो अभी इसको साफ करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बाल हैं हमारे डॉगी के। अब इसको देखते हैं खींच पाता है कि नहीं खींच पाता। और इसके रिजल्ट की बात करें तो ना मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी मिट्टी जहाँ रहती है बहुत बारीक सी, उसको तो ये आराम से खींच ले रहा है, कोई बाल वालों उसको खींच ले रहा है, बट जरा सी अगर बड़े मिट्टी आ जाती है, थोड़ा सा बड़ा कंकड़ आ जाता है, उसको नहीं खींच पाता। तो उसको तुमको ना 4-5 बार, बहुत बार उसको वहीं रखना पड़ेगा, तब वो एक आध कंकड़ खींच ले रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, कैमरे में नहीं दिखा होगा आपको, तो बस यही है भाई। बाकी आप देख लेना, अगर आपको आपके पास पैसा भरपूर है तो भाई ले लेना, अदरवाइज ये वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं, कोई और अच्छा होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए भाई ये तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई।